वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और ये तकरीबन 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, तो तकरीबन 8 या 9 रोजे इन तारीखों तक 3 तारीख तक पड़ेंगे। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात तरावी की जो नमाज होती है वो मस्जिद में हुकूमत की तरफ से जितने लोगों की इजाजत है उतने ही लोग मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ें, बाकी तमाम लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ें। इसी तरीके से मसाजिद में इतिकाफ जो है वो एक आदमी भी अगर कर लेगा तो सबकी तरफ से सब लोग बड़ी उजमा हो जाएंगे। ये सुन्नत किफाया है, लिहाजा ज्यादा लोग मस्जिद में इतिकाफ में बैठने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि हुकूमत ने यह कानून बनाया है और अगर इस कानून के जद में जो भी आएगा उसके साथ हुकूमत की तरफ से सख्ती होगी। लिहाजा आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें कि रमज़ान शरीफ के मुबारक मौके पर उनको भी आप अपने खाने पीने के मामलों में शरीक करें। और मदारिस जो बाहर चलते हैं पूरे मुल्क में चलते हैं और उनकी कफालत अहले मुंबई करते हैं तो उनका भी ख्याल रखें, उनकी रकम को अलग कर लें कि वो अगर रमजान शरीफ के बाद आएं तो उनको आप दे सकें, या फिर जिस तरीके से भी मुनासिब हो वहां तक मदारिस तक पहुंचाने की कोशिश करें। आमतौर पर हमारे यहां पर इफ्तार के लिए सहरी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग नीचे उतरते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं सौदा खरीदने के लिए, इफ्तार के लिए सहरी के सामान खरीदने के लिए, तो उसमें भी अगर बदनज़मी हुई और कानून शिकनी हुई तो हुकूमत उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेगी। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग रमजान शरीफ में नमाजें अपने घरों में पढ़ें, तरावी अपने घर में पढ़ें, सहरी और इफ्तार अपने घरों में करें, रास्ते पर हरगिज़ ना उतरें, बड़े अपने बच्चों को समझाएं, अपने जवानों को समझाएं कि वो कानून हाथ में ना लें, जब वो रास्ते पर आएंगे कानून अपना काम करेगा, उससे आपको भी तकलीफ होगी, आपके घर वालों को भी तकलीफ होगी, आपके अहबाब को भी तकलीफ होगी और इंतजामिया को भी तकलीफ होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि रमजान शरीफ में जो लॉकडाउन है इसकी पाबंदी करें और सहरी पार्टी, इफ्तार पार्टी या और किसी किस्म की पार्टियों में हरगिज़ शिरकत ना करें, दावतों में शिरकत ना करें, ना आप दावत करें, और हुकूमत के बताए हुए कानून पर सख्ती से अमल करें, वरना इतने मुबारक मौके पर आप अपना भी सुकून और चैन गारत करेंगे और अपने रिश्तेदारों का भी और घर वालों का भी। जितना आप अपने घरों में महफूज रहेंगे उतना हमारे और आपके लिए बेहतर है। खुदा हाफिज़ नासिर।